दशम श्रेणी साहित्यर प्रथम अध्याय गद्यर प्रथम अध्याय कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी ओ साहित्य कृति यार आम प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आरंभ करिबा। तो चलो स्टार्ट करिबा। एक नंबर देइछि संक्षिप्त प्रश्न उत्तर देइछि निम्न शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेखिबो। आम एठारे कौन करिबा ना विपरीत शब्द लेखिबा। देइछि रोचक बुद्धिमान प्रशंसा आसक्त छद्म हसिबा। तो आरंभ करिबा रोचकर विपरीत शब्द होउछि अरोचक बुद्धिमान लो निर्बोध प्रशंसा निंदा आसक्तर अनासक्त छद्म प्रकृत हसिबा कांदिबा। सही भली दुई नंबर प्रश्न देइछि संधि विच्छेद कर। प्रश्न देइछि दुरारोग्य पैतृक उत्तराधिकारी अभिषेकोत्सव सुधाकर। चलो यार आगर देइछि समालोचना। चलो यार वर्तमान आमे संधि विच्छेद करिबा। तो दुरारोग्यर हब कौन दु युक्त आरोग्य। सही भली पैतृकर संधि विच्छेद होउछि पितृयुक्त इक उत्तराधिकारी उत्तर युक्त अधिकारी अभिषेकोत्सव तो अभिषेक युक्त उत्सव सेमिति सुधाकर सुधायुक्त आकर तापर देला समालोचना सम युक्त आलोचना हेगला। दुई नंबर प्रश्न उत्तर सरीगला। एबे तीन नंबर करिबा देची कांति लगाई आउ पांच गोटी शब्द लेख कौन हम सेमिति ना तृषार कांति सुकांति सौम्य कांति चंद्रकांति एवं सूर्यकांति। यही कांति की लगे कि आमे कौन कले ना पांच गोटी शब्द तैयारी करदे। चारि नंबर देची नित्या युक्त सॉरी नित्य युक्त आनंद जमिति नित्यानंद यहीपरि कौन हेबो लेख। से ही कौन हो पार पूर्ण युक्त आनंद पूर्णानंद हो पार भैरव युक्त आनंद भैरवानंद हो पार ब्रह्म युक्त आनंद ब्रह्मानंद हो पार सत्य युक्त आनंद सत्यानंद हो पार एवं रस युक्त आनंद रसानंद मध्य हो पार। पांच नंबर प्रश्न देला गौरचंद्र भली चंद्र लगाई पांच गोटी शब्द लेखिबा। ताले चंद्र को लगे कि चला आमे पांच गोटी शब्द लेखिबा सेमिति हो पार अर्धचंद्र कविचंद्र कृष्णचंद्र रामचंद्र एवं पूर्णचंद्र। छ नंबर प्रश्न देला कांतकवि नाम लक्ष्मीकांत रखा जाइथिला काहिंकि कारण कांतकवि माणवसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करिथिबारु तांको नाम लक्ष्मीकांत रखा जाइथिला। सात नंबर प्रश्न देला कांतकविंकर पैतृक ग्राम नाम कौन उत्तर कौन हबो ना कांतकविंकर पैतृक ग्रामर नाम तालपदा। लक्ष्मीकांतक पितांक नाम कौन ओ से केउ वृत्तिरे अवलंबन करुथुले। लक्ष्मीकांतक पितांक नाम चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र ओ से ओकिलाती वृत्ति अवलंबन करुथुले। बुझिगला ता परवर्ती प्रश्न कविता लेखा पई लक्ष्मीकांत कहार श्रद्धा भाजन कहिथिला बा होइथिले। कविता लेखा पई लक्ष्मीकांत उत्कलमणि गोपबंधु दासंक श्रद्धा भाजन होइथिले। तापरे दस नंबर देइछि लक्ष्मीकांतक मातांक नाम कौन लक्ष्मीकांतक मातांक नाम राधामणि देवी। एगार नंबर प्रश्न देला लक्ष्मीकांत बीए पढ़ीबा पाई कलिकतार केऊ कॉलेज रे नाम लेखाइथिले उत्तर कौन हबो ना लक्ष्मीकांत बीए पढ़ीबा पाई कलिकतार रिपन कॉलेज रे नाम लेखाइथिले। बार नंबर रेभेन्सा महाविद्यालय रे लक्ष्मीकांत केऊ नाटक रे अभिनय करिथिले उत्तर कौन हबो ना रेभेन्सा महाविद्यालय रे लक्ष्मीकांत कांची काबेरी नाटक रे अभिनय करिथिले। ता परवर्ती प्रश्न तेरह नंबर केऊ ठारे लक्ष्मीकांतंकु
कांत कवि रूपे अभिहित करा भद्रक हाईस्कल ठारे एक संबोधना सभा रे लक्ष्मीकांत को कांत कवि रूपे अभिहित करा जायथिला। 14 नंबर प्रश्न, छात्रावस्था रे लक्ष्मीकांत लेखा लेखी पाई केऊ पत्रिकार संपादकक दृष्टि आकर्षण करथिले। उत्तर कौन हबो ना, छात्रावस्था रे लक्ष्मीकांत लेखा लेखी पाई मुकुर पत्रिकार संपादक ब्रजसुंदर दास ओ उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक विश्वनाथ करंकर दृष्टि आकर्षण करथिले। 15 नंबर प्रश्न, कांत कविंक कुलगुरुंक नाम कौन? उत्तर कौन ना, कांत कविंक कुलगुरुंक नाम होउची बाबाजी रामदास। तापरे 16 नंबर प्रश्न, कांत कविंकर इष्ट देवता किए? तो उत्तर होउची लक्ष्मीकांतंक इष्ट देवता थिले गोपीनाथ। परवर्ती प्रश्न, वंदे उत्कल जननी कविता उत्कल सम्मिलनीर केउठिका अधिवेशन रे गान करा जायथिला। उत्तर, वंदे उत्कल जननी कविता उत्कल सम्मिलनीर 1912 मसीहा बालेश्वर अधिवेशन रे गान करा जायथिला। 18 नंबर प्रश्न, लक्ष्मीकांत भद्रक रे स्थापन करथिबा प्रेस रो नाम कौन? उत्तर, लक्ष्मीकांत भद्रक रे स्थापन करथिबा प्रेस रो नाम हेउची गोपीनाथ। 19 नंबर प्रश्न देला, डगर प्रकाशन कटक रो पिठापुरी रु सॉरी पिठापुर रु केऊ मसीहा रे होइथिला? उत्तर, डगर प्रकाशन कटक रो पिठापुर रु 1937 मसीहा रे प्रकाशित होइथिला। 20 नंबर प्रश्न, असहयोगी रो आत्मकथा केऊ पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला? उत्तर, असहयोगी रो आत्मकथा उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। तापर प्रश्न, लक्ष्मीकांतंकर असंपूर्ण उपन्यासर नाम कौन? उत्तर, लक्ष्मीकांतंक असंपूर्ण उपन्यासर नाम कोणामामु। 22 नंबर, भागवत प्रसाद बिहार ओडिशा काउंसिल रु इस्तफा देले काहिंकि? उत्तर कौन हबो ना, लवण सत्याग्रह समय रे ब्रिटिश सरकारंकर साधारण लोकंक उपरे अत्याचार को विरोध करी भागवत प्रसाद बिहार ओडिशा काउंसिल रो सभ्य पदरु इस्तफा देथिले। एथिसहित कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्य कृति हेर समस्त शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करदेले। तो भिडियोटी भल लगे आपण माने लाइक करिबे और चैनल टी को सब्सक्राइब करिबे।